सुशांत आत्महत्या मामले में बड़ा खुलासा, कलीना फॉरेंसिक लैब ने कहा नहीं दिया गया था जहर। 9 राज्यों की 54 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव, जबकि बिहार की 1 लोकसभा और मणिपुर की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 7 नवंबर को वोटिंग, 10 को आएंगे नतीजे। पंजाब में कृषि विधेयकों के खिलाफ रेल रोको आंदोलन 6वें दिन भी जारी। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने 1 अक्टूबर से देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों में कानून बनाने की तैयारी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्य सरकारों से अपील की। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले अनलॉक के 5वें चरण में सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क खोलने की मांग, पश्चिम बंगाल सरकार ने सशर्त सिनेमा हॉल खोलने का ऐलान किया। 2 हफ्ते तक अस्पताल में जूझते हुए हाथरस गैंगरेप की पीड़िता की दिल्ली में मौत, विपक्षी दलों ने योगी सरकार को घेरा। उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत कई शहरों में मशाल जुलूस निकाला गया। असम के स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के पर्चा लीक मामले में अब तक 20 गिरफ्तार, फरार चल रहे पूर्व डीआईजी और बीजेपी नेता पर 1,00,000 रुपए का इनाम। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा। और खाते फ्रीज होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपना काम समेटा, कहा सरकार ने बदले की भावना से कार्रवाई की।